नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus vs iQOO Z9S Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Note 14 Pro Plus में 6.4 इंच जबकि Z9S Pro में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Note 14 Pro Plus में 2.94 इंच जबकि Z9S Pro में 2.95 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Note 14 Pro Plus में 0.34 इंच जबकि Z9S Pro में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 14 Pro Plus में 210.8 ग्राम जबकि Z9S Pro में 185 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Note 14 Pro Plus में 6.67 इंचेस जबकि Z9S Pro में 6.77 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Note 14 Pro Plus में 1220x2712px FHD+ और Z9S Pro में 1080x2392px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Note 14 Pro Plus में 88.49% जबकि Z9S Pro में 90.12% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Note 14 Pro Plus में 446 पिक्सल प्रति इंच जबकि Z9S Pro में 388 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Note 14 Pro Plus में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और Z9S Pro की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Note 14 Pro Plus में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Z9S Pro की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Note 14 Pro Plus में Adreno 740 जबकि Z9S Pro में Adreno 720 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Note 14 Pro Plus में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 और Z9S Pro में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 मिलता है। बात करें RAM की तो Note 14 Pro Plus में 12GB की RAM मिलती है जबकि Z9S Pro में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Note 14 Pro Plus में 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Z9S Pro में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी Note 14 Pro Plus में 6200 mAh जबकि Z9S Pro में 5500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Note 14 Pro Plus में 3 कलर्स जबकि Z9S Pro में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Note 14 Pro Plus में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 2,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Z9S Pro की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 28,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें ये रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Z9S Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो कैमन 35G है, दूसरा Realme 12 Pro 5G है, तीसरा Vivo Y200 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Motorola H50 Fusion 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।